तो एक महीना पहला कैप्टन साहब ने अपने कैबिनेट च एक फैसला लिया सी जिद जो कि बहुत ही निंदने से शर्मनाक फैसला सी जिस उन्होंने ये गल की सी कि MBBS के स्टूडेंट की 80% जी फीस सी उन्होंने बताया गया सी जो कि एक बहुत ही शर्मनाक तो एक निंदने फैसला सी। कैप्टन साहब के इस एक महीने के अंदर अंदर वक् वक् जथेबंद वालों वक् वक् पोलीटिकल पार्टिया वालों बथेरे प्रोटेस्ट किए गए मुजाहरे किए गए बट ए अन्नी बोली गूंगी सरकार से सुनवाई कोई नहीं की। उसके उल्ट कल कैप्टन साहब ने यह गल कही कि असी ये फीसा इस करके उठाई क्योंकि असी कोविड इक्विपमेंट लेने से साडे को मशीनरी लैन वास्ते कोई होर हल नहीं सी। जबकि इसके उल्ट कैप्टन साहब रेत माफिया 250 करोड़ माफ़ करते हैं, शराब माफिया के कुछ चंद ठेकेदार 750 करोड़ माफ़ करते हैं, लेकिन जो वोट पाने की वारी आती है तो उन्होंने यूथ विकता है जो कि साडे देश का भविष्य है। ये डॉक्टर साडे देश के भविष्य ने, डॉक्टर साडे वास्ते रब के रूप ने। मैं कैप्टन साहब को अपील करता कैप्टन साहब अपना ये फैसला वापस लाओ तो जिस तरह मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है कोविड इक्विपमेंट को लैन वास्ते अपने सारे MPs के लैंड फंड 2 साल से बंद कर दिए ने तो अपने सारे MPs की सैलरी अद्धी कर दी है। उस तरह तुम अपने जोड़े शाही खर्चे ने महाराजा के खर्चे ने उन्होंने घटाओ तो अपने जो OSG की जी दर्जन बताड़े OSG ने उन्होंने खर्चे घटाओ तो अपने MLAs के मंत्री के खर्चे अद्धे करो। असी काले पट्टे बन के अपने हत्था दे सारे डॉक्टर ने जिन्ने भी डॉक्टर पूरे मेडिकल कॉलेज च हज़ारां च जिहड़े हैगे आ असी सारे ने काले पट्टे बन्ने ते अपनी बांह ते बन के सरकार नूं इह रोष जताया कि जिहड़े उन्होंने यह डिसीजन लिया वह बिल्कुल गलत है ते जिहड़े एक कॉमन बंदा साडे इंडिया च कोई भी होए उहदे लई हुण इह मेडिकल कॉलेज च दाखला लेना इन्ना कि औखा हो गया कि वह सोच ही नहीं सकता कल नूं कि कोई भी बच्चा डॉक्टर बने। असी यही मंग करते हैं कैप्टन साहब कोलों के उन्होंने अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वाजिब नहीं है यह फैसला तो बिल्कुल हक च भी नहीं है, कोई एक आम जो बंदा होंगे हक च फैसला नहीं है, इस करके फैसला उन्होंने वापस लेना चाहिए।